नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी खूबसूरत जगह पर जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सफदरजंग मकबरे यानी सफदरजंग टोम की। ये औरबिंदो मार्ग और सफदरजंग मार्ग के इंटरसेक्शन पर पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे यहाँ की कुछ खास बातें, यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में। तो आइए चलते हैं। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये मकबरा दक्षिण दिल्ली में श्री औरबिंदो मार्ग पर लोधी मार्ग के पश्चिमी छोर के ठीक सामने स्थित है। सफदरजंग का मकबरा अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शक्तिशाली व कुशल प्रधान मंत्री सफदरजंग की स्मृति में नवाब शुजाउद्दौला ने 1754 में बनवाया था। अब आपको सफदरजंग के नाम के पीछे की कहानी सुनाते हैं। दरअसल सफदरजंग एक राजा का नाम था। उनका असली नाम था मिर्जा मुकीम अब्दुल मसूर खान। उनके बेटे थे नवाब शुजाउद्दौला, जिन्होंने सन 1754 में अपने पिता की याद में ये खूबसूरत मकबरा बनवाया था। इस जगह के नाम पर आसपास की कई और जगह भी रखी गई है, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल, सफदरजंग टर्मिनल और सफदरजंग एयरपोर्ट। सफदरजंग और उनकी बेगम की कब्र बनी हुई है। इसे आज भी मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस जगह के बारे में जानते हैं। बहुत सारे ऐसे भी रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से इस टोम को, इस मकबरे को क्रिटिसाइज भी किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसे आगरा के ताजमहल की तरह बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सिमेट्री इसमें नहीं आ पाई। एक और रीजन है जिसकी वजह से इसे क्रिटिसाइज किया जाता है, वो है जो मटेरियल, जिस मटेरियल से ये बनाया गया है वो अब्दुल रहीम खाने खाना के जो मकबरा है जो उन्होंने अपनी बीवी के लिए बनवाया था उसमें से बनवाया गया था। जो वहाँ का जो सैंडस्टोन था, वहाँ के जो मार्बल थे, वो वहाँ से लाकर इसको बनाया गया था। तो ये यूज मटेरियल से बनाया है, इसकी क्वालिटी इसकी उतनी अच्छी नहीं हो पाई। केंद्रीय इमारत में एक बड़ा गुंबद है जो सफेद संगमरमर पत्थर से निर्मित है। शेष इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी है। चारों ओर पानी की चार झीलें हैं जो चार इमारतों तक जाती है। ये मकबरा मुगल आर्किटेक्चर के लास्ट फेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहाँ के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको काफी कुछ हुमायूं टॉम जैसा दिखेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हुमायूं टॉम के स्ट्रक्चर पर आधारित है। इसकी एक और खास बात आपको हम बताते हैं कि ये भी ताजमहल और हुमायूं टॉम की तरह चार बाग स्टाइल में बनवाया गया है। इसके आसपास कुछ पेवेलियंस भी मौजूद हैं, जिसमें है मोती महल, जंगली महल और बादशाह पसंद। पूर्व दिशा में मुख्य द्वार है जो श्री औरबिंदो मार्ग पर स्थित है। अन्य इमारतों में लोगों के लिए रिहायशी सुविधाएं हैं। मुख्य इमारत में जुड़े हुए ही चार अष्टकोणीय मीनारें भी हैं। दिल्ली स्थित सफदरजंग का मकबरा दिल्ली की आखिरी संलग्न कब्र है। इस 300 वर्ग किलोमीटर स्मारक का प्रवेश द्वार प्रभावशाली आकृति के साथ सुंदर लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। कब्र का केंद्रीय हिस्सा अपने रंगों के भव्य प्रदर्शन के साथ काफी आकर्षक लगता है। मकबरा सातों दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। ये मकबरा प्राचीन मुगल वास्तुकला की एक जिंदा मिसाल है जो बहुत खूबसूरत है।